वेलकम टू स्वातिस्तान। मैं स्वाति कांवर शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ व्हाइट चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी। ये एक एगलेस रेसिपी है जिसको हम बिना ओवन के बनाएंगे। आप इसको अपने घर में आराम से बना सकते हैं, किसी भी सॉस पैन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बाकी आप इसको एज अ डेजर्ट सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। व्हाइट चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले 2 गिलास दूध लेना है। इसको मीडियम फ्लेम पे आपको उबालना है। जब इसमें उबाल आने लग जाए तो आपको यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालना है। इसके लिए आपको यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है, लगभग आधा कप दूध लेना है और इसी तरीके से आपको इसको मिक्स करके डालना है। इसमें कोई भी गांठें नहीं रहनी चाहिए और इसको डालने के बाद आपको फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही आपको इसको लगातार चलाना है। 2 मिनट के लिए ही यहाँ पे इसको लगातार चलाना काफ़ी ज़रूरी है जिससे कि गांठें ना बने। लगभग 2 मिनट बाद ही आपको यहाँ पे चीनी डालनी है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चीनी डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको विस्क की मदद से इसी तरीके से आपको लगातार चलाना है। अब ये 2 से 3 मिनट बाद आपको डालनी है 1 छोटी चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट की और साथ में 3/4 कप मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट डाली है। अगर आपको वाइट चॉकलेट नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह वाइट चॉकलेट कंपाउंड भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको फ्लेम को लो ही रखना है। ये जो चॉकलेट हमने इस पॉइंट में डाली है ये काफ़ी जल्दी मेल्ट होने स्टार्ट होगी, तो इसी तरीके से आपको इसको बीच बीच में चलाना है जिससे कि चॉकलेट और ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं चॉकलेट ऑलमोस्ट 3/4 मेल्ट हो चुकी है। तो बस इस पॉइंट में ना आपको फ्लेम को बंद कर देना है। इस प्रोसेस में आपको लगभग 1 मिनट ही लगेंगे और फ्लेम बंद करके भी आपको यहाँ पे इस पॉइंट में लगातार चलाना है इसको, जिससे कि इसमें इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ, सिल्की, इस तरीके से क्रीमी दिखे और ये जो चॉकलेट है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। इसलिए यहाँ पर इसको लगातार चलाना काफ़ी ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो भी सर्विंग ग्लास, कप, जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं उसमें डाल दें। अब मैं इनमें ऊपर से थोड़ी सी चोको चिप्स डालूंगी ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। आप इन चोको चिप्स के अलावा चॉकलेट को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। अब आपको यहाँ पे इन पुडिंग्स को फ्रिज में रखना है जिससे कि ये सेट हो जाए लगभग 2 से 4 घंटे के लिए। फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको इनको फ्रिज में रखना है। मैंने यहाँ पे लगभग इनको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और अब मैं आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो टेक्सचर है वो दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये जो वाइट चॉकलेट पुडिंग है एकदम रेडी है। ये इसी तरीके से ही जेली टाइप होती है और इसी टेक्सचर के लिए ही आपको इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, सिर्फ फ्रिज में रख के आपको इसको थोड़ा सा ठंडा करना है जिससे कि इसमें ये टेक्सचर आ पाए। तो बस इसी तरीके से अब आप भी इसको अपने घर में बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी एकदम लिमिटेड हैं। कुछ अगर चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप मुझको कॉमेंट पर लिख के बता सकते हैं, मैं उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो बता दूँगी। बाकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ये है मेरी वाइट चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको नई रेसिपी सीखने को मिली हो तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको जल्दी से कर लें और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।